नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ अनुपम भारद्वाज, आपको बताने के लिए कि क्या होने वाला है आज के मैच में। लेकिन दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल www.starstyle.com। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, जैसे आपको पता है कि हम खिलाड़ियों की अनुमानित जन्म तारीख व जन्म समय के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि ये 100% सही हो, लेकिन हम अपना अथक प्रयास करते हैं कि हम उनकी अनुमानित जन्म तारीख व जन्म समय के आधार पर व ग्रह व गोचर के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करने का प्रयास करें। देखिए, जैसे कि आपको पता है, आज बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला, बेहद ही रोमांचक मैच है आज का हिंदुस्तान व ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों ही टीमें बहुत ही दमदार टीमें हैं व दोनों ही टीमें विश्व कप विजेता रह चुकी हैं और दोनों ही टीमें इस विश्व कप को फिर से एक बार अपने नाम करना चाहेंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मैच के अंदर जो सबसे अहम भूमिका रहेगी वो रहेगी टॉस की। जो टीम टॉस जीतेगी उसकी तरफ परिणाम झुकने के पूरे योग बने हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही शुभ संकेत है कि इंडिया की टीम ये टॉस जीतेगी और इसके जीतने के आसार बने हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रह गोचर के आधार पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी कमजोर आज दिखाई दे रही है। उसके कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो हैं, उनका प्रदर्शन जो रहेगा वो एक एवरेज से नीचे रहेगा। उनके प्रदर्शन में कोई सुधार ना होने के कारण, उनका प्रदर्शन अच्छा ना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो एक अच्छा स्कोर खड़ा ना कर पाए, ऐसे यहाँ पे योग बने हुए हैं। और दूसरा, क्षेत्र रक्षण और बॉलिंग की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो पूर्ण रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो गोचर शो करता है वो ये शो करता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का जो एक योगदान रहेगा, जो परफॉर्मेंस रहेगी इस मैच के अंदर, वो बहुत ही कमज़ोर लेवल की रहेगी और काफ़ी कम रहेगी, जिसका फ़ायदा इंडिया की टीम उठाएगी। दूसरा, इंडिया की टीम के जो मैं बताना चाहूँ, स्टार्स काफ़ी चमक रहे हैं, काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति गोचर के अंदर इस चीज़ को दर्शाती है कि पूरे जोश से भरी हुई टीम मैदान पर उतरेगी और जब वो मैदान पर उतरेगी तो उस मैदान को अपना नाम करने के लिए भसकर प्रयास करेगी व उससे अपने नाम करने के लिए प्रयत्न करेगी। गोचर भी यह शो करता है कि उत्साह से भरी हुई टीम जब मैदान में उतरती है तो जो परिणाम होते हैं वो उसकी तरफ हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर किस पल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए किसी भी टीम को कम आंका नहीं जा सकता है। पर गोचर व दशाएं इस चीज़ को दर्शाती हैं, इस चीज़ को शो करती हैं कि आज का जो परिणाम रहेगा वो भारतीय टीम के फेवर में होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और भारतीय टीम इस मैच को जीतने की काफ़ी कोशिशें करेगी व इस मैच को जीतने की लिए वो अग्रसर होगी व इस मैच को जीतने की संभावनाएं भारतीय टीम की बनती हैं। इसी प्रकार की और भी मैं आपके सामने गणनाएं लेकर आऊँगा। अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, मुझे कृपया आज्ञा प्रदान करें। लेकिन हाँ, जाने से पहले दोबारा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।